आशीष खेतान के पार्टी छोड़ने पर विश्वास का केजरीवाल पर तंज। आखिर कुमार विश्वास ने केजरीवाल को क्यों कहा चंदा गुप्ता। बदलाव की राजनीति के नारों के साथ दिल्ली की सियासत में एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी अपनों के सवालों में ही घिरती नजर आ रही है। वो नेता जो कल तक आप प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे, वो आज बागी हो चुके हैं। कुछ खुलकर तो कुछ सीधा केजरीवाल को ही निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के पार्टी छोड़ने की खबर सामने आने के बाद कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इशारों इशारों में केजरीवाल को चंदा गुप्ता तक कह दिया। अपने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कुमार विश्वास ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, हम तो चंद्र गुप्ता बनाने निकले थे, हमें क्या पता था चंदा गुप्ता बन जाएगा। इससे पहले कुमार विश्वास ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, सब साथ चले, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक ले आने में, कुछ सफल हुए निर्वैध तुम्हें ये राजनीति समझाने में, इन आप प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया, एक और आत्मसमर्पित कुर्बानी। आपको बता दें कि कुमार विश्वास अन्ना आंदोलन से लेकर कुछ महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव तक केजरीवाल के साथ रहे। 2013 में जब आपने दिल्ली की सियासत में धमाकेदार एंट्री मारी तो कुमार विश्वास की इसमें अहम भूमिका थी, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजे जाने, सर्जिकल स्ट्राइक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले को लेकर विश्वास और केजरीवाल के बीच की कलखी बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। साथ ही जब आज एक के बाद एक नेता आपको अलविदा कह रहे हैं तो उन्हें विश्वास का साथ मिल रहा है और निशाने पर है केजरीवाल। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।